नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों खबर आज जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, खबर दिखा रहे हैं, यह खबर काफी रोचक है। रोचक इसलिए है कि यह खबर एक ऐसी शख्सियत की है जिनके ऊपर कई आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, सिर्फ आगे बढ़ाया ही नहीं बल्कि लोगों में एक अपनी छवि बनाई। जी हम बात कर रहे हैं कपासन क्षेत्र के थाना के थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत की, जिनका हाल ही में कपासन से ट्रांसफर हुआ है उदयपुर थाने। राजस्थान का कपासन शहर कस्बा है, यहां से इनका ट्रांसफर हुआ उदयपुर शहर में। इनकी हिमांशु सिंह राजावत की जो कहानी है बड़ी रोचक है। आपको मालूम होगा एक एनकाउंटर हुआ था कुछ सालों पहले, वो एनकाउंटर काफी मशहूर रहा था, उस एनकाउंटर की काफी चर्चा हुई थी। उस एनकाउंटर में बाद में उस एनकाउंटर को फर्जी घोषित किया गया और उस एनकाउंटर में कई पुलिसकर्मी और जवानों को जेल तक हुई। उस एनकाउंटर के सदस्य हिमांशु सिंह राजावत भी थे और तब हिमांशु सिंह राजावत सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे और उस टीम में थे। इनके ऊपर भी चार्ज लगे, फर्जी एनकाउंटर का इनके ऊपर भी आरोप लगा। आरोप लगने के बाद में सात साल इतना लंबा पीरियड तब तक हिमांशु सिंह राजावत या इनके और भी सहयोगियों को जमानत नहीं मिल पाई, लेकिन 7 साल बाद में सीबीआई ने इनको निर्दोष पाया और इनकी जमानत भी हुई और जमानत होने के बाद में हिमांशु सिंह राजावत की बहाली भी हुई और पुलिस महकमे में फिर से ये शामिल हुए। उसके बाद इन्होंने राजस्थान के अलग अलग कस्बों में, भिंडर राजस्थान का एक कस्बा है भिंडर, वहां पर, फिर निम्बाहेड़ा और हाल ही में कपास, वहां पर अलग अलग समय में इन्होंने अपनी ड्यूटी की और अभी ये फिलहाल कपासन में थानाधिकारी पुलिस इंस्पेक्टर हुआ करते थे। अब कपासन से उदयपुर इनका ट्रांसफर हो चुका है। तो इनको बदली होने के बाद में सामान्य प्रक्रिया है प्रशासन की, कोई अधिकारी आता है जाता है, बदली होती है, लेकिन इनकी बदली क्यों खास है वो आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में आपको समझ में आएगा। इनमें लोगों में इनकी जो चाह है उसका अंदाजा आप वीडियो से लगा सकते हो। ये इनकी बदली के समय में लोगों ने न सिर्फ गांव भर में एक जुलूस निकाला बल्कि इनको कंधे पे बिठाकर बहुत प्यार दिया। कपासन का इनका पिछला 1.5-2 साल का जो कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल में लोग इनके मुरीद हो गए और कपासन क्षेत्रवासी जो है उन्होंने इनको सर आंखों पे बिठाया। इन्होंने काम भी ऐसा किया, कोविड के समय में हमने अपने चैनल में एक बार पिछली बार एक खबर लगाई थी, कोविड के समय में भी इन्होंने एक बॉडी को डिस्पोज करने में खुद आगे बढ़कर, इन्होंने वो तहसीलदार ने, कपासन तहसीलदार ने, दोनों ही ने, गरीब परिवार जब बॉडी डिस्पोज करने के लिए आगे नहीं आ रहा था तब इन्होंने खुद बॉडी को पैक किया था और एक सराहनीय काम किया था। ऐसे कई सराहनीय काम इन्होंने किए। हमने इनसे फोन पे बातचीत की क्योंकि हम मुंबई में हैं और हिमांशु सिंह इस समय हिमांशु सिंह सर जो है वो राजस्थान में है, तो हमने फोन पे बातचीत की। फोन पे उन्होंने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी वो हम आपको सुनाएंगे आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि कपासन आने से पहले जब निम्बाड़ा से इनका ट्रांसफर हुआ था तब निम्बाड़ा वासियों ने भी कुछ इसी तरह इनका जुलूस निकाला था। हमने जब इनसे बात की तो इन्होंने निम्बाड़ा के हालात और कपासन के हालात इन्होंने बताए कि निम्बाड़ा थोड़ा चैलेंजिंग था, वहां पर क्राइम रेट ज्यादा था जबकि कपासन में क्राइम रेट निम्बाड़ा की बनिस्पत कम है। तो निम्बाड़ा में इन्होंने क्राइम को लेकर अच्छा काम किया, लोग आज भी याद करते हैं, और निम्बाड़ा के बाद कपासन में इन्होंने सोशल वर्क जो है इनका, क्राइम तो इनका काम है ही लेकिन सोशल वर्क इन्होंने जो किया लोग आज भी याद करते हैं। तो ऐसे अधिकारी को हमारे चैनल भी सलाम कहता है और कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी खुद जो है एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं नौजवानों के लिए। आज के युग के नौजवान है, जब हम समझ सकते, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 7 साल जेल काट के आए और उस परिस्थिति में जेल काट के आए जिस परिस्थिति में एक अधिकारी होने पर उन पर आरोप लगे, लेकिन तब भी अपना हौसला और अपना जज्बा जो है इन्होंने खत्म नहीं होने दिया
और आज फिर देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे अफसर को सलाम। और सुनिए हमारी बातचीत, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रही है, देखिए आइए वीडियो में। नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते सर, हिमांशु सिंह सर बात कर रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ सर, मैं यूसुफ अली पत्रकार बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही में आपका कपासन से उदयपुर बदली हुआ, ट्रांसफर हुआ, उसका वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है और आपको कपासन में बहुत प्यार मिला सर, एक कैसा अनुभव रहा बताएंगे? निश्चित रूप से अच्छा अनुभव रहा, और कपासन की जनता, कपासन कस्बा बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग, वहाँ की धार्मिक सहिष्णुता, हिंदू मुस्लिम आबादी है वहाँ पे, और काफी अच्छे लोग हैं, मिलकर रहते हैं, सभी सारे अच्छे त्योहार मनाते हैं। और वहाँ थोड़ी बहुत एक समस्या रहे करती थी कभी कभी, ये स्मैक पीते थे युवा, तो उसके ऊपर हमने काफी कार्रवाई भी की और युवाओं को वापस जागृत भी किया, कुछ नशा मुक्ति के केंद्र वगैरह भी हमने इनिशिएट किए, उससे लोग नशा मुक्त भी हुए। तो इस तरह से काम किया तो लोगों का एक अप्रिसिएशन था, जब वापस अधिकारी विदाई होने के बाद लौटता है तो ठीक है, उसको पूरा सम्मान देते हैं, तो पूरी पब्लिक ने हमको वो सम्मान दिया, वो एक्चुअली पुलिस विभाग का सम्मान है कि हमने जो हमारी टीम ने काम किया वो, उससे लोग खुश थे। सर आपका जो भी ये टाइम पीरियड था, ये एक अहम था कोविड के हिसाब से, कोविड केस में आपने वहाँ पे ड्यूटी की, तो कोविड में आपका अनुभव कैसा रहा, और कोविड में भी आपके बारे में काफी चर्चा हुई, आपने एक बॉडी को डिस्पोज किया था, वो खबर हमने भी अपने चैनल पे चलाई थी और वो भी काफी उसकी भी काफी सराहना हुई थी, तो कोविड में आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए क्या होता है ना, कोविड में सारी एजेंसीज, जो भी डिपार्टमेंट्स थे, सभी अपना अपना काम कर रहे थे, और हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें जो बॉडी पैकअप करने वाले जो लोग थे वो थोड़ा लेट हो गए थे, तो हमने सोचा कि ये काम हम भी कर सकते हैं, तो हमने इनिशिएट किया, मैंने और तहसीलदार जी थे वहाँ पे, तो दोनों ने मिलकर के उसको बॉडी को पैक किया और भेजा, तो लोगों में एक ऐसा था ना कि भाई कोई भी व्यक्ति सब मिलजुल करके अगर मानव हित की काम करेंगे तो एक अच्छा लगेगा, तो हमने इनिशिएट किया, तो लोगों ने उसको सराहना की, हालांकि वो एक कर्तव्य है, सामान्य चीज है, लेकिन लोगों ने इसको पॉजिटिव वे से लिया, मुझे अच्छा लगा। सर अभी आपका उदयपुर में कौन से थाने में ट्रांसफर हुआ और वहाँ आपका क्या मिशन रहेगा? मैं अभी प्रतापनगर थाना है उदयपुर में, वहाँ हूँ। मिशन तो ऐसा कुछ विशेष है नहीं, बस निरपराध चाहते हैं, पुलिस का मोटिव यही है, अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए और जो सज्जन व्यक्ति हैं, आमजन हैं, वो पुलिस के साथ खड़े रहे, उनसे अच्छा व्यवहार रहे, बस यही चाहते हैं। सर हमारे चैनल से मुलाकात की, आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ये आशा करते थे कि सर आपका जो भविष्य है और भी आगे उज्ज्वल हो, आपकी तरक्की दिन ब दिन ज्यादा बढ़ती रहे, लोगों में आपका प्यार बढ़ता रहे, इसी आशा के साथ सर एक बार फिर से आपको धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।